सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से 5,000 रुपये काटेगी मोदी सरकार। चौंकिए मत, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार सुमन और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अपना रेल। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कोरोना वायरस से दहशत के माहौल में सोशल मीडिया पर फैल रही अलग अलग तरह की अफवाहें और भी ज़्यादा घातक साबित हो रही हैं। एक तरफ भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा है और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया, मसलन व्हाट्सएप, फेसबुक पर बिना तथ्यों की जांच किए अथवा क्रॉस चेक किए संदेश फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रहा है कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या फिर पेंशन में कटौती का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर यह फेक न्यूज काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से फैली महामारी COVID-19 से लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन से 5,000 रुपये काट लिए जाएंगे। इस फेक न्यूज़ को व्हाट्सएप पर तेज़ी से फैलाया जा रहा है और लोगों में भ्रम की स्थितियां पैदा की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर सैलरी कटौती संबंधी सूचना पूरी तरह से फेक है और इस बात की पुष्टि PIB फैक्ट चेक ने की है। इस फेक न्यूज अथवा संदेश की सच्चाई यह है कि सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, इसलिए अगर आपके पास भी ऐसे संदेश आ रहे हैं तो आप इसे आगे न भेजें और आपको जिसने भी भेजा है उसे सही सूचना देकर आगे न भेजने के लिए सचेत करें।